एसटीईटी की परीक्षा रद्द करने के खिलाफ राज्यव्यापी धरने के तहत एबीपी बेगूसराय के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन नगर अध्यक्ष ऋषभ कुमार के प्रतिष्ठान पर किया गया। धरना का नेतृत्व करते हुए एबीपी के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन की परिभाषा ही बदल दी है। बिना किसी जांच पड़ताल के परीक्षा रद्द करना नीतीश कुमार की छात्र विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। एबीपी इस मानसिकता के खिलाफ आर पार की लड़ाई तब तक जारी रखेगी जब तक यह निर्णय वापस नहीं ली जाए। बेगूसराय टुडे के लिए शांतनु कुमार की रिपोर्ट। भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत के द्वारा एक विशाल महाधरना का आयोजन किया गया है और यह धरना बिहार के सभी एबीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जहां हैं वहीं पर इस धरना का आयोजन किए हैं और वहीं से इस धरना के माध्यम से हम लोगों ने बिहार सरकार को यह संदेश देना चाहा कि आपका जो यह निर्णय है हिटलर शाही निर्णय है कि बिना किसी कारण के बेवजह आपने एसटीईटी की परीक्षा रद्द कर दी। आपने एग्जाम सेंटर पर जो भी आपको उचित बात लगा उसने आपने सुविधा मुहैया कराया, आपने जेमर लगवाया, आपने जूता चप्पल उतरवाया, टाइट एग्जाम लिया, उसके बाद जो मेरिट के आधार पर विद्यार्थी चुन करके आते आपने उनके हितों की अनदेखी करते हुए यह निर्णय लिया है। कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। यदि नीतीश कुमार जी के सुशासन का मतलब नीतीश का नीतीश के लिए और नीतीश के द्वारा चलाया गया शासन है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके इस सुशासन की सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी और हम आखिरी दम तक बिहार सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे और उसी विरोध का एक हिस्सा आज का यह धरना था। और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अगर बिहार सरकार यह निर्णय वापस नहीं लेती है तो सड़क पर उतर करके ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। धन्यवाद। पुरुषोत्तम कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष, जीडी।